हे व्हाट्स अप गाइस, हम है आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि अजीत कुमार साहब का मूवी से नया गाना आया है, नाम जैसे कि आपको बताइए थू नीवू। तो उस मूवी में से हम लोगों ने एक्चुअली ऑलरेडी दो गाने कर चुके हैं जो काफी अच्छे थे। तीसरा गाना हम लोग करने वाले हैं, गैंगस्टा नाम है जिसका। गैंगस्टा गाने के नाम से हम लोगों ने बहुत गाने वैसे रिव्यू कर चुके हैं, बिल्कुल, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, हर बिल्कुल। और इसके पहले जितने भी हम मतलब दो सॉन्ग सुने और काफी अच्छा म्यूजिक था, बिल्कुल, नो डाउट। इसका देखते क्योंकि ये मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर जो है, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा नया मतलब नए जॉनर्स के साथ खेलना चाह रहे। हमने नोटिस किया ये बात और हमने ये बात बोली भी है, बिल्कुल ठीक है ना, ये थोड़ा नए जॉनर्स के साथ खेलना चाह रहे, बिल्कुल। तो अभी इसमें देखते इसमें क्या खेला इन्होंने, बिल्कुल, या क्या म्यूजिक दिया है, कैसा कंपोजिशन होगा, क्या लिरिक्स होगी, ठीक है ना। वन टेक में जो लगेगा वो बताएंगे। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, और जब नए हो तो चैनल को शेयर कर देना तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा, क्योंकि अकेला एंजॉय मत करो, बाकी लोगों को भी एंजॉय करने दो, बिल्कुल, है कि नहीं। तो गाने में आते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग तो गाने थे ही पहले से इस मूवी के। अभी आते हैं गैंगस्टा गाने पे, क्या वाइब है, क्या नहीं, जरूर बताते होने वाले। बस आप लोग फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाए, देख के बजाओ, सब्सक्राइब करो, मजा आता है, बिल्कुल। चलो चलो गाने पर। नो कट्स, ओके, नो ग्लोरी। वेरी नाइस सॉन्ग। अरे बाप रे, पोंगल पे आ रही है मूवी, बहुत कड़क अरेंजमेंट। अच्छा,
इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलूं निशो, किसी एक की तारीफ खराब हो गया, एक की तारीफ नहीं करने वाला, इधर चार पांच लोग तारीफ करने लायक। सबसे पहले तो भाई सिंगर शाबिर सुल्तान एंड गिबरन, क्यों मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे वोकल्स, ये गाने को, ये म्यूजिक को, ये कंपोजिशन को, और वो चेहरे को जो वोकल्स चाहिए, प्रॉपर सूट हो रहा था वो भाई का आवाज। क्या भाई, मजाक बात नहीं है ये। और दूसरी बात मैं दाद देना चाहूंगा म्यूजिक कंपोजर एंड अरेंजर जिब्रान, हम गाया भी तारीफ वैसे भी कर रहे हैं, दो गाने सुने आपके, पहली बार सुने हमने, पहली बार लाइफ में पहली बार सुना है, सीधी सी बात, अब हाँ पहली बार ही, हाँ, क्योंकि अब नाम हमने पहली बार पढ़ा था, तो हमारी ये वाले करियर में तो पहली बार सुना मैंने ये गिब्रन सॉन्ग, मतलब नाम। भाई बहुत अच्छा काम आपका, बहुत अच्छा काम, आप गाना भी गा रहे हो और म्यूजिक भी अरेंज कर रहे हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर तो हम भी गाना गा लेते कभी, बिल्कुल इतना परफेक्टली जैसे हम लोग भी जॉनर के साथ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए आपकी जो छोटी छोटी टाइम सिग्नेचर के साथ, और टाइम सिग्नेचर के साथ जो खेला आपने, वो बीच में के साथ जो खेला है, उसके साथ जो मतलब ये जो खेल है ना, ये हमको जो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है मेरे को, बाकी लोगों को मतलब जो नॉर्मल लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल सॉन्ग है, चलो सुन के अच्छा आई निकल गए, नहीं इसमें काम भी भाई गिब्रन भाई ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा अरेंजर लोगों ने अच्छा काम किया है, अरेंज अच्छा किया है भुवन प्रदीप एंड पीजे हिमेश, वेरी नाइस प्रदीप पीजे एंड हिमेश, बहुत अच्छा आपने प्रोड्यूस किया है, मिक्स इतना अच्छा किया है कि जिधर जो रिवर्ब चाहिए उधर ही दिया, जिधर जो फुल रिवर्ब खींच के लेके गया, बोला दिमाग खराब हो गया मेरे, हमको क्या है गाइस, ऐसा ग्राफ आ जाता है सीधा सीधा यार, क्या क्या किया होगा करके, हमारे कान एकदम शार्पली सुनते रहते हर एक एलिमेंट, समझ रहे हो, तो ऐसा तड़कता भड़कता ये रहा ना, मजा आ जाता है हमको। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मुझे मतलब बहुत ज्यादा पसंद, और अल्फाज नहीं आ रहे, और हम लोगों ने रोका नहीं, नहीं तो आपको पता है बीच में रोक देते, बिल्कुल इतनी अच्छी यहाँ पे ऐसे गाने रहना तो रिव्यू करने को मजा आता है। एक मिनट, लिरिक्स शब्बीर शब्बीर, अच्छा भाई ने लिखे, विवेक का जिसने गाया, जिसने गाया उसने लिखे, समझ में नहीं आया बट सुन के बहुत अच्छा लगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ, जैसे भाई ने बोला कि कैरेक्टर पे वोकल्स गए, बिल्कुल कंपोजिशन पे वोकल्स गए, अरेंजमेंट पे वोकल्स गए, ये बहुत जरूरी होता है, पता क्या गाइस, अरेंजमेंट ये होता है और सिंगिंग का लेवल ये होता है, बिल्कुल इन्होंने इतना एटीट्यूड और इतने वो दिखाया ना कि मजा आ गया बस यार। जैसा आप सीधी सी बात लो ना, एक वो वाला गाना जैसा दूसरा क्यों गाना ले ले, यही गाना अगर उदित नारायण जी गाते नहीं जाता ना, समझ रहे हो क्या, ऐसा हो जाता वो तू मतलब वो एकदम अलग अलग ये है, समझ, ये गाना सुनने को मगाते नहीं जाता था ना, देख चाहिए नो ग्लट्स गट्स नो ग्लोरी, देख समझ रहे, ऐसा हो जाता तो वो अलग सीन होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंपोजिशन और लिरिक्स और म्यूजिक पे, और वो जो मेन लीड होता है उसके फेस पे, उसके कैरेक्टर पे वो वोकल जाना, और ये बहुत अच्छा जा रहा। और दूसरी बात बोलू, जिसने भी ये लिरिकल वीडियो बनाया था ना गाइस, उतने भी बहुत ज्यादा तगड़ा काम किया यार, सही में बहुत तगड़ा काम किया उसने भी, मजा आ गया, मतलब हमने नहीं रोका, मतलब हम ये हो गए थे, डायरेक्टर बहुत सही काम, डायरेक्टर कॉस्ट्यूम डायरेक्टर सब लोग, सब लोग अच्छा काम, इसका जब म्यूजिक वीडियो आएगा ना तब हम जरूर देखेंगे, मजा करेंगे। बाकी मैं एक ही चाहता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है आपको, सब्सक्राइब करना है और आपको इस गाने का मीनिंग बताना है थोड़ा सा हमको कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ समझने में गलती हो गई होगी तो माफ कर देना, और प्लीज नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, तो नई पब्लिक को भी पता चलेगा, तो नई पब्लिक की आके सब्सक्राइब करेगी तो 9 लाख पूरे हो जाएंगे जल्दी, है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत पे साउंड।